देखो अब हम वो रियान पराग नहीं हैं जिनको तुम पान पराग कह के चढ़ाया करते थे या जो नाचते गाते लिबिल लिबिर क्या करते थे। अब हम वो रियान पराग हैं जिसको चाहिए गुरु फुल इज्जत, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि विराट का चेला है, विराट की तरह बनेगा और इंडियन क्रिकेट में अगली बड़ी चीज होने वाला है। हम वो रियान पराग हैं जो असम का राइनो है। और ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि रियान पराग पहले अनकैप्ड प्लेयर हैं जो आईपीएल 2024 में 500 रन बना चुके हैं। सारी दुनिया तारीफ करेगी, भाई साहब फ्यूचर रियान पराग का है, सारी टीम फ्लॉप है, उसके बाद रियान ने जलवा जलाल कर रखा है। वैसे रियान को फुल इज्जत बनती है क्योंकि अगर आप आईपीएल की हिस्ट्री उठा लेंगे तो आईपीएल के इतिहास में जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर, उसमें नाम है यशस्वी जायसवाल का। पिछले साल ही बनाए थे और उसके बाद हम सबको पता है कि जायसवाल के जीवन में क्या क्या बदला। जायसवाल इंडिया की टेस्ट टीम का हिस्सा बन गए, जायसवाल इंडिया की T20 टीम का हिस्सा बन गए। ये अलग बात है कि इस साल जायसवाल टाएं टाएं फिसो के रखे हैं और वर्ल्ड कप उन्हें जाना है, लेकिन जायसवाल ने फिर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। टेस्ट में 700 रन बना दिए, तो जायसवाल के हाईएस्ट है 625 रन इंडिया और ओवरऑल। नंबर दो पर आते हैं शॉन मार्श, 616 रन। कितना जलवा जलाल हुआ था, आज तक मेमोरीज में हम लोग को याद है, पंजाब से खेलते थे। लेकिन इंडिया में सेकेंड और वर्ल्ड में थर्ड आईपीएल में रियान पराग हो गए और अभी सीजन बाकी है मेरे दोस्त। 531 रन जो है रियान पराग ने ठोक दिए हैं 12 मैचेस में और वो फिलहाल इंडिया से सेकेंड हाईएस्ट प्लेयर हो गए हैं जो अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में रन बनाए हैं। और गुरु जिन जिन का नाम इस लिस्ट में है वो सब बाद में इंडिया के लिए खेले और जलवा जलाल किया। 2020 में ईशान किशन को मौका मिला था, 516 रन बनाए थे, बाद में इंडिया खेल गए। 2018 में सूर्य कुमार यादव ने 512 रन बनाए थे, बाद में सूर्य कुमार यादव को इंडिया में मौका मिला। पडिकल ने 2020 में बनाए थे, बीते साल वो भी इंडिया के लिए खेले। तो यहां पर इनका जलवा जो है वो जलाल हो गया और इसी का असर है कि अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में जब 500 प्लस रन रियान पराग के हो गए तो रियान पराग अब बिना कहे कह रहे हैं कि अब हमको देखो तो दो हमको फुल इज्जत, क्योंकि ये सीजन रियान पराग के नाम है। रियान की टीम में जॉस बटलर थे, रियान की टीम में जायसवाल थे, रियान की टीम में संजू सैमसन थे, हेटमायर थे, और ये वही टीम थी जिसको लेकर रियान का मजाक उड़ता था कि इस टीम में तो 11 की जगह 10 खिलाड़ी होते हैं, 5 बल्लेबाज, 5 गेंदबाज, एक रियान पराग। लेकिन अब उस टीम का सबसे बड़ा एसेट फिलहाल रियान पराग। रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, 505 रन। उनके बाद संजू सैमसन का नंबर है 504 रन। और राजस्थान रॉयल्स इकलौती टीम है जिसके दो बल्लेबाज जो है वो 500 प्लस के स्कोर को आईपीएल 2024 में बना चुके हैं। तो ये अपने आप में एक कमाली कहानी है। रियान पराग ने हालांकि इस मैच में केवल 48 रन बनाए, लेकिन उनके 48 रनों की कीमत जो है वो राजस्थान समझता है क्योंकि वो हाईएस्ट स्कोर था और बहुत टफ सिचुएशन में बनाए गए स्कोर थे। फुल टॉस पर वो आउट हुए थे लेकिन उसके पहले कमाल कर गए थे और इस सीजन में वो अलग तरह से खेल रहे हैं जो उनका एक फ्लेवर नजर आ रहा है। रियान पराग ने 12 मैचेस में 531 रन बनाए हैं जिसमें 59 का उनका एवरेज है, 152 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 31 छक्का मार चुके हैं, 38-4 है, 4 अर्धशतक है और कुल मिलाकर कह दीजिए तो फ्यूचर के सुपरस्टार रियान पराग हैं क्योंकि पहले मैच से मार रहे हैं। पहले मैच में 29 बॉल 43, फिर 45 बॉल 84, फिर 39 बॉल 54 रन, उसके बाद 48 बॉल 76, मतलब रन बनाए हैं। बीते मैचेस में भी राजस्थान जब फ्लॉप चल रही है तो इस मैच में 34 पे 48, पिछले मैच में 35-47। सो वो अपनी साइड से अपना ड्यू जो है राजस्थान रॉयल्स को दे रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस खिलाड़ी को बाप फुल इज्जत देना शुरू कीजिए, चाहे क्योंकि दिल्ली के सामने, मुंबई के सामने, गुजरात के सामने, सारस के सामने अर्धशतक लगाया, पंजाब के सामने 48, सीएसके के सामने 47, एलएसजी के सामने 43, केकेआर के सामने 14 पर 34। आई मीन दैट्स सम क्वालिटी इनिंग, 8 क्वालिटी इनिंग 12 मैचेस में अगर कोई खिलाड़ी खेलता है तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। रियान पराग का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी कमाल कराया। जो लड़का 44 मैच खेलकर 600 रन बना रहा था, आज 12 मैच में वो लड़का 500 रन बना चुका है। असम का प्राइड फिलहाल रियान पराग हो गया और असम वाले छाती चौड़ी करे कह रहे हैं कि गुरु हमारा लड़का ही। इवन सक्सेस की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया से आईपीएल में सबसे छक्का मारने वाले खिलाड़ियों में 3 नंबर पर रियान है। टॉप पर अभिषेक शर्मा है 35, विराट उसके बाद 33, लेकिन ये लोग ओपन करते हैं, रियान मिडिल ऑर्डर में आते हैं 4 नंबर 5 नंबर, वहां पर 31 छक्के मारे। और इसी वजह से इरफान भाई भी कह रहे हैं कि यार विराट कोहली का चेला है, विराट को हीरो मानता है और विराट जैसा बन सकता है, क्योंकि अब आप नहीं कह सकते कि विराट नहीं बन सकता है।
आज से एक साल पहले जिस खिलाड़ी को हम बारे में सोचते थे कि यार इसको खिलाते क्यों है, अगर आज वो एक टीम की आन मान शान जान बन गया है तो आने वाले टाइम में वो उस टीम की पहचान बन सकता है और विराट के नक्शे कदम पर जाकर और बेहतर हो सकता है, आई एम श्योर हो सकता है, लेट्स जस्ट सी। लेकिन फिलहाल रियान पराग को बाबू दे दो फुल इज्जत, क्योंकि विराट कोहली के जूते में भरने की कोशिश कर रहा है और कंपैरिजन ही अगर आज शुरुआत भी हो रही कि विराट के नक्शे कदम की तरफ बढ़ रहा है तो ये अपने आप में अचीवमेंट इस खिलाड़ी के लिए। भाई साहब आज से रियान पराग को फुल इज्जत।